पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, आज का मार्केट कैसे बिहेव किया, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम रही। इसी के साथ में निफ्टी फिन में हमने एक्सपायरी के लेवल डिस्कस किए थे, उस हिसाब से हमें काफी अच्छे प्रॉफिट मिले। हमने डिस्कस किया था अगर 20,100 का लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो 20,200 तक की एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट 103 पे ये रिटेस्ट किया है मॉर्निंग में, यहां से आपको एक बुलिश ट्रेड मॉर्निंग में दिया है। 20,200 के आसपास ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया है, वहां पर ब्रेकआउट नहीं किया है, डबल टॉप पैटर्न बना के क्लियर कट 250 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। अब ये 250 पॉइंट्स के अंदर मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स का काफी अच्छा प्रॉफिट बना, टेलीग्राम में भी जो है काफी सारे लोगों का स्क्रीनशॉट मैं भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर देता हूं। आप देखोगे एक सिंपल रीजन है कि जो मैं आपको कल बोल के गया था और पहले से बता रहा हूं कि एक्सपायरी में रिवर्सल आ रहा है अभी के दिनों में, उसका एक बड़ा रीजन है इंडिया विक्स। अभी भी इंडिया विक्स 11 के आसपास चल रहा है, मान के चलो अगर इनको एक्सपायरी डे पे अपनी पोजीशंस को काटना है, मान के चलो यहां पर कॉल भी सेल है पुट भी सेल है और पहले से प्राइस जो है यहां पर वॉलीटिलिटी दिखा चुका है। अभी एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, यहां पर 180-150 का लेवल जो निफ्टी फिन में था उसको ब्रेक कर रहा है, तो जितने लोग कॉल को सेल करके बैठे हैं वो अपनी पोजिशन को क्लोज करेंगे। इसी के साथ में अब पूरे दिन पुट राइटर्स भी नहीं कमा सकते, उनको भी प्रॉफिट बुक कहीं ना कहीं करना ही है, तो प्रॉफिट बुकिंग कितनी आएगी ऑप्शन सेलर की वो डिसाइड करती है मार्केट की मोमेंटम। अब मार्केट की मोमेंटम ही छोटी है तो प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ आ जाती है। पहले कॉल राइटर्स की प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण मार्केट ऊपर निकल गया, दिन को पुट राइटर्स हैवी पुट राइटिंग के कारण जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो पोजीशंस क्लोज हुई, उसकी वजह से एक सेलिंग भी आपको दिखाई दी। और जब मार्केट 20,200 से निफ्टी फिन गिरा, वहां से डायरेक्ट 20,000 तक के पुट में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। 20,000 की पुट में प्रॉफिट बुकिंग, 20,100 की पुट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है, जिसकी वजह से एक बड़ा सेलिंग मोमेंटम हमें मार्केट में दिखाई दिया। आप समझोगे एक्सपायरी की मोमेंटम को, समझोगे ऑप्शन सेलर को, समझोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन की मोमेंटम को आप समझ पाओगे और पैसा बना पाओगे। और एक चीज क्लियर बोल के कहता है एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है, पहले दो दिन मार्केट वॉलीटिलिटी दिखा चुका है, निफ्टी फिन की एक्सपायरी ट्रेंडिंग हो सकती है, काफी अच्छा सेल ट्रेड बाय ट्रेड दोनों हमें मिला। अगर हम बात करें निफ्टी की, 19,450 के आसपास क्लोजिंग दी है, इसमें भी बोला था मैंने क्लियर कट मेरे वर्ड्स थे, कल की वीडियो जाके देखना, अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है 400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मॉर्निंग में बाय करेंगे, टारगेट रहेगा 500 का, 520 के आसपास ये पहुंचा है। 400 के आसपास खुला, थोड़ा सा ऊपर खुला, 400 का लेवल रीटेस्ट किया, यहां से है जो 5-10-15 मिनट सस्टेन किया। अगर आप 430 पे भी बाय किए तो 430-530 आपको 100 पॉइंट मिले, अगेन 500-520 के आसपास ये यहां पर पैटर्न बना के फिर से नीचे गिरावट दिखाया, तो इसमें भी हमें दोनों तरफ बाय ट्रेड भी मिला और सेल ट्रेड भी मिला निफ्टी के अंदर। यहां पर अगर मैं आपको एंट्रीज बताऊं तो इधर निफ्टी आपको क्लियर कट दिखी है, 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है, एंगल्फिंग बेयरिश यहां पर कंफर्म हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे करके रीटेस्ट हुई है। तो एंट्री पॉइंट्स भी मैं आपको साथ में बताते चलता हूं। अगर आप निफ्टी फिन के चार्ट पे वापस चलेंगे, वहां पर आप एंट्रीज देखेंगे सर कहां-कहां हम बाय सेल कर सकते थे, तो बाय के अंदर आपको एंट्री बिना कोई कैंडल देखे लेवल के आसपास मिली है, क्योंकि मॉर्निंग का मार्केट लेवल्स के बेस पे ट्रेड किया जाता है ना कि ज्यादा कैंडलस्टिक के हिसाब से। अभी अगर आपने पहली कैंडल देख के बाय किया तो करीब आपको 20,140 पे एंट्री मिली होगी और 200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी 200 पे एंगलफिंग बियरिश बना है तो यहां से आपको एक सेल मिला है, यहां पर मार्केट नीचे गिरने के बाद में इधर एक सिमेट्रिकल फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया है, सॉरी ये फ्लैग पैटर्न बना है, पेनेंट फ्लैग नीचे ब्रेक हुआ है, यहां से आपको एक सेलिंग कंटिन्यू दिखाई दी है, अगेन इधर यहां पर एक इनसाइड पैटर्न बना है, 2-3 बजे की जो एक मोमेंटम आती है, लास्ट के 3 बजे की मोमेंटम आपको इनसाइड पैटर्न की वजह से यहां पर 180 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी फिन में क्लियर कट दिखाई दिया है, काफी अच्छे ट्रेड रहे। बैंक निफ्टी की बात करें 44,750 के आसपास हमें क्लोजिंग दी है और 45,100 क्लियर कट डिस्कशन था बैंक निफ्टी का, 44,950 का लेवल ब्रेक करता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 45,100 का रहेगा, दूसरा टारगेट 45,200 का रहेगा और अच्छा बुलिशम 45,200 के ऊपर ही होंगे। अभी मार्केट खुला 44,950 एग्जैक्ट पिन पॉइंट को रीटेस्ट किया, यहां से एक ग्रीन कैंडल दिया, इधर से आपको 150-200 पॉइंट की बाइंग मिली, ऊपर यहां पर एंगल 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के यहां से क्लियर कट गिरावट दिखाया और इसके अंदर भी यहां पर आपको एक इनसाइड पैटर्न मिला है, जिससे आपको एक अच्छा सेल ट्रेड एक और दिन को 3 बजे की मोमेंटम भी कैप्चर हुई, जिसमें कहीं ना कहीं आपको निफ्टी फिन में तो जीरो टू हीरो गेम आपको काफी अच्छा ट्रेड मिल ही गया होगा। चलिए देख लेते हैं यहां पर निफ्टी फिन के ऑप्शंस को भी। आज हम अगर हम 20,000 की पुट ऑप्शन की बात करें निफ्टी फिन की, या 20,050 की ले लेते हैं, थोड़ा सा एट द मनी पे लेंगे हम कि पुट ऑप्शन के चार्ट पे लर्निंग बेसिस पर हमें यहां पर कहां एंट्री मिली है।
ये ओपन है मेरे पास निफ्टी फिन का 20,050 की पुट ऑप्शन का चार्ट। जैसे निफ्टी फिन 20,200 के आसपास से रिजेक्ट हुआ, अगर आप 20,050 की पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो एंट्री कहां पर बनती है? मार्केट पहले गिरा, ये पुट ऑप्शन ₹5 का लो लगाई, इधर से वापस ऊपर गई, ₹15 तक गई, वापस से ये ₹6-7 तक नीचे गिरी है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितने लोग होप ट्रेडिंग करते हैं वो बस लो प्राइजेस के आसपास पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। आपको जब एक्सपायरी के दिन जीरो टू हीरो गेम आप प्ले करते हो, तो आपको यहां पर एक मोमेंट आने का वेट करना है। जैसे यहां पर ये मान के चलो ₹5 थी, 5 से ₹15 तक गई, 15 के बाद में आके जब ₹6 आई है, 6 के बाद में वापस 15 को क्रॉस कर रही है, तो यहां पर 15 पे आप एंट्री ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस ये 6 या 5 नहीं होना चाहिए, ₹15 पे हाई क्रॉस करते, ये स्विंग क्रॉस करते आप यहां पर बाय कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस पूरा ₹0 तक का होना चाहिए। होगा क्या, इसने एक हाई लगाया, नीचे आया, यहां से ऊपर भी जाएगी, आप एंट्री लोगे, अभी नहीं आई, पर कई केसेस में ये वापस नीचे आके स्टॉप लॉस काटती है, फिर दिन को 3 बजे एक मोमेंटम दे देती है। तो जीरो टू हीरो गेम हमेशा एक मोमेंट आने के बाद में लिया जाता है, बट स्टॉप लॉस हमेशा इसमें डायरेक्ट ₹0 का ही लगाया जाता है। हम पूरा जीरो करने की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कोई स्विंग हाई, स्विंग लो या ₹15 पर बाय करके 5 या 6 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आई होप आपको सीखे होंगे, आज के वीडियो से काफी अच्छा मार्केट रहा, आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।